ये जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये मिलियन डॉलर टीम से हार गई, मतलब क्रिकेट में पैसे की इन्वॉल्वमेंट ठीक है अपनी जगह है, लेकिन बार बार इंडिया को इस तरह से टीज करने की जरूरत क्या है कि मिलियन डॉलर की टीम हार गई, कि वो भूखे नंगे हार गए, कि वो इस तरह हार गए। भाई कीनिया के भी एथलीट है ना, वो मैराथन में जीतते हैं ना, अफ्रीकन कंट्री के एथलीट है, उनके पास कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कौन से पैसे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में पैसा लाना और दीगर चीजें शामिल करना, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है? और इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन सिर्फ अफसोस से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल विक्रांत गुप्ता की तरह के आपको अपने फॉर्मेट को, अपने टेम्पलेट को तब्दील करने की जरूरत है। 6 ओवरों में 38 रन वाला टेम्पलेट ना आपके यहां चलेगा ना हमारे यहां चलेगा, हम भी उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। ये तो हमारी कुछ किस्मत है कि हम पहुंच गए, वरना हमारे पास भी ओपनर वही है जो 6 ओवरों में 38 करते हैं एक के आउट होने पे। पहले हम भी यही कर रहे थे। देखिए, इस चीज का जीतने से, हारने से, कॉम्पिटेंसी से पैसे का ताल्लुक नहीं होता। अगर पैसे का ही ताल्लुक होता तो फिर क्या कहने हैं, तो फिर तो यूएई की टीम को नंबर 1 होना चाहिए था, अमेरिका की टीम नंबर 1 होती, वर्ल्ड कप की हर दफा विनर होता ब्रुनाई हो जाता है। हमारे आज रमीज राजा ने यह कहा है कि बिलियनियर, जो मल्टी बिलियनियर इस वक्त जो लीग्स हैं जिन मुल्कों की, वो पीछे रह गए हैं और हम आगे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हम उनसे बेहतर कर रहे हैं ना जी। बाहर हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास यही लड़के हैं, क्योंकि आपने तो किसी को मौका ही नहीं दिया, आपने तो डिसऑन कर दिया अपने डोमेस्टिक के टैलेंट को। लेकिन आप देखें वहां पे तो 3-3 टीम्स हैं, अगर आपने नहीं लेके गए तो ये आपके सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, ये उनको आप बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा देखें, जब अच्छा खेल रहे थे, अच्छा तो खैर वो नहीं खेल रहे थे, जब जीत रहे थे तो हर कोई तारीफ कर रहा था। अब हारे हैं तो एकदम से, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि जो खामियां है वो जीत के पीछे छुपी हुई है। अब केएल राहुल अच्छे नहीं है, कैप्टन फिट नहीं है, अब जनाब सब कुछ बुरा बुरा है। मौके पे आके और फिर जब आप इतने मल्टी बिलियनर आपकी इकोनॉमी हो और आप जो है वो T20 का जो सबसे बड़ा आलमी मुकाबला है वो इतने करीब से आप उसमें से बाहर निकल जाए। मौका चल रहा है, इन्होंने भी आके अपनी स्पीच दी, बयान तो अच्छा दिया, बात तो अच्छी की, लेकिन ये वक्त था जिम्बाब्वे के, वक्त के वहां पर फ्रंट पे आना था। सो इस वक्त सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, दैट्स इट। वो कहते हैं सर रमीज भाई जो आज प्लेयर के साथ मिले, आपको लगता है इतना ज्यादा इंटरेक्शन किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का होता नहीं है? अब मैं सोशल मीडिया पे भी आज मैंने लिखा कि जब पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हारी तो ना किसी, जब इंग्लैंड की टीम हारी आयरलैंड से तो ना किसी उनके ECB के चेयरमैन के कोई वीडियो मैसेज आया, ना कोई ट्विटर पे तूफान मचा, ना कुछ। ठीक है, हार गए आयरलैंड से, हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो फौरन जो है वो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। बस सर अली, आपने खुद तो कहा स्टार्ट में कि कामयाबी के बहुत सारे सरपरस्त होते हैं, वही वाली बात है कि जिम्बाब्वे के वक्त देखें, रमीज भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विनर हैं, पाकिस्तान के नो सर्वेंट, अच्छे सर्वेंट रहे, चेयरमैन हैं। चैलेंज ये होता है कि आपको क्यादत, लीडरशिप उस वक्त दिखानी होती है जब आपकी टीम खराब खेल रही है, ताकि लड़कों को आप फ्रंट पे जाके कहेंगे दो डोंट वरी अभी याद है, ठीक है ना। उस वक्त तो आपने हल्का फुल्का किया, अब चूंकि एवरीबडी इज विनिंग, हर कोई पाकिस्तान की चर्चा कर रहा है, प्लेयर्स की चर्चा कर रहा है, हर बंदा वीडियो में आना चाह रहा है, हम देख रहे हैं कि हेडन को पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो इसके भी वीडियो जो पर ऑब्वियसली हर बंदे को थोड़ा बहुत होता है कि मैं इस वक्त सही टाइम है अपने आपको एडवर्टाइज और मार्केट करने का। देखें एज वी नो इट, हमारे मुल्क के अंदर चलता यही है कि भाई फेवर में कौन है, फेवर में कौन नहीं है, चूंकि हमारे पास एक गैप है बोर्ड का, दिस इज द एग्जैक्ट वीकनेस जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, हमारे बोर्ड का चैलेंज है, इट्स ऑल अबाउट कौन फेवर में। सो अब जब विक्ट्री के साथ सक्सेस के साथ, जिस तरह कहते हैं इंग्लिश में देयर इज नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, अभी अच्छा एक मौका चल रहा है, इन्होंने भी आके अपनी स्पीच दी, बयान तो अच्छा दिया, बात तो अच्छी की, लेकिन ये वक्त था जिम्बाब्वे के, वक्त के वहां पर फ्रंट पे आना था। सो इस वक्त सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, दैट्स इट। वो कहते हैं सक्सेस इज मेनी फादर, मैंने फादर दैट, जिस तरह आपने खुद कहा कि भाई सरपरस्त जीत के काम लगे। अच्छा ये जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये मिलियन डॉलर टीम से हार गई, मतलब क्रिकेट में पैसे की इन्वॉल्वमेंट ठीक है अपनी जगह है, लेकिन बार बार इंडिया को इस तरह से टीज करने की जरूरत क्या है कि मिलियन डॉलर की टीम हार गई, कि वो भूखे नंगे हार गए, कि वो इस तरह हार गए। भाई कीनिया के भी तो एथलीट है ना, वो मैराथन में जीतते हैं ना, अफ्रीकन कंट्री के एथलीट है, उनके पास कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कौन से पैसे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में पैसा लाना और दीगर चीजें शामिल करना, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए अगर आप रमीज राजा की, ये दूसरी दफा इन्होंने वर्ड यूज किया है, पहले भी ये कह चुके हैं, पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट के दे चुके हैं, ये दूसरी दफा इन्होंने फिर BCCI को ऐसे ही कहा है। देखिए इस चीज का जीतने से हारने